जब भी बनारस की बात आती है तो सबसे पहले ध्यान जाता है पान पर। बनारसी पान काफ़ी अच्छा है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन एक और चीज़ है जो बनारस को अलग दिखलाती है, वो है बनारसी साड़ी। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम पहुंच चुकी है सिद्धि विनायक। मैं बात कर रही हूं बनारस की ठेठ बनारसी साड़ी का एक स्टॉल आनंद मेला में लगा हुआ है। सिद्धि विनायक की तस्वीरें हैं, और जहां साड़ी आ जाए फिर आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह टूट पड़ती हैं। ये धनबाद का नज़ारा है। बनारसी का हर कलेक्शन आपको स्टॉल नंबर 30 में दिख जाएगा। चलिए, जो स्टॉल में ऑनर हैं, जो दुकानदार साहिबा जी हैं, उनसे जानती हूँ कैसे जर्नी स्टार्ट हुई और धनबाद वासियों के लिए क्या है। वैसे आप देख रहे हैं उनके साथ एक महिला है जो अभी खरीदारी के लिए पहुंची है उनके पास, वो बहुत खुश लग रही हैं। मैम, आप बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रही हैं। बहू की दुकान है इसलिए मैं खुश हूँ। अच्छा, इसलिए? तो क्या बहू ने अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आप सास की तरह बिल्कुल नहीं लग रही हैं। तो आजकल की सास तो ऐसी रहती है। अच्छा, आजकल की सास है। ये मेरी बहन भी है। बहन भी है। चलिए मैम, ये जो बनारसी साड़ी का स्टॉल लगा है, क्या क्या आप लोग देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, सब तरह की वैरायटीज भी है, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैंने देखी इतनी वैरायटी यहाँ पे। अच्छा, आप धनबाद के हैं? जी नहीं, मैं बराकर से आई। बराकर से आए हैं बस? ये आई है इस कारण पहुँचे हैं? नहीं, इस कारण भी पहुँची हूँ और ऐसे आती रहती हूँ जब भी। हाँ। अच्छा, हर साल आप आनंद मेले में आती है क्या? हाँ, कभी कभी आती हूँ, हर साल तो नहीं आती हूँ। चलिए, इनके दुकान से कोई शिकायतें? बिल्कुल भी नहीं, बहू की दुकान से क्या शिकायत हो सकती, बताइए। आप देख रहे हैं महिलाओं की तो खैर मस्ती मजाक होती रहती है। दुकान की जो मालकिन है उनसे चलिए जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सुरुचि अग्रवाल। बनारस से आई है? बिल्कुल, मैं बनारस से आई हूं। स्वाद लेकर आई है, संस्कार लेकर आई है? एकदम, संस्कार धनबाद के हैं। बनारस शादी हुई है? बनारस शादी हुई है। अच्छा, संस्कार तो यही की बेटी हूँ। अच्छा, धनबाद का संस्कार बनारस वालों को बिल्कुल बहुत सीख गए। अच्छा, ये बनारसी क्रेज कैसे आया आपके अंदर? देखिए, हम लोग सब ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से हैं, तो ट्रेडिशनल तो आएगा ही टेस्ट। अच्छा, सब में आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड भी कपड़े के काम में हैं, उनका मॉल है बनारस तो में। उन्हें को सपोर्ट करने के लिए आप भी आ गए? नहीं, वो मेरे को सपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ भेजे हैं। अच्छा, आप इतने जो हंसमुख हैं और इतने जिंदा दिल है, एक और बात बताइए, कब से आपकी जर्नी आरम्भ हुई ये बनारसी साड़ी को लेकर? मैम, 2-3 साल से ही सोच रही हूँ कि करना, अभी भी सोच ही रही हूँ। ये फर्स्ट इनिशिएटिव लिया है मैंने। अच्छा, ये दुपट्टा नहीं है भाभी, इसके साथ सूट है। एक चीज मुझे बताइएगा, ये पूरा सूट है। आप देख रहे हैं जरा सा बिजी भी है दुकान में, ये यही वक्त है जब लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन हम ये तो जरूर जान जाएंगे कि ये बनारसी एलिमेंट इसी स्टॉल पर इतनी अधिक भीड़ क्यों लग रही है? मैम, बस एक सवाल आपसे, आप ही के स्टॉल पे इतनी अधिक भीड़ क्यों लग रही है? क्या आपका? क्योंकि यहाँ का बैकग्राउंड सारे ट्रेडिशनल है, हमारे लोग हैं, सबको ट्रेडिशनल पसंद है, इसलिए सब यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, चलिए, तो लोगों से अपील कर दीजिए, 2 दिन का ही समय है, जो लोग घर बैठे उनको प्लीज आइए, हम लोग सब बहुत दूर से आए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप आइए। अच्छा, चलिए। खैर, लाइव इंडियन गार्ड आपको तस्वीरें दिखला रहा है आनंद मेले का, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी आप घर बैठकर लाइव इंडियन गार्ड को देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जरा चैनल को बदल कर या फिर चैनल को ऑफ करके आप घर से निकल सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और आनंद मेले में आए। बस एक दिन का और अवसर है, ठेठ बनारसी स्टॉल नंबर 30 जो हम दिखला रहे हैं। आप देखिए, बनारस का हर एलिमेंट, कुछ भी मिसिंग नहीं है। तब तक जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।